नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका हमारे यूट्यूब चैनल सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। हमारे बहुत से व्यूअर्स बार बार हमसे एक ही सवाल कर रहे हैं। सवाल ये कि मैम, आप हमें बताएं कि नॉर्थ कैंपस लाइफ कैसे है और साउथ कैंपस लाइफ कैसे है, कैसे नॉर्थ कैंपस लाइफ साउथ कैंपस लाइफ से डिफरेंट है और कैसे साउथ कैंपस लाइफ बहुत अलग है नॉर्थ कैंपस लाइफ से। इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो के थ्रू हम कोशिश करेंगे आपको आपके सवालों का जवाब देने की रिलेटेड टू नॉर्थ कैंपस एंड साउथ कैंपस। लेकिन उससे पहले हम आप सभी से अपील करना चाहेंगे कि हमारे हौसले को बढ़ाने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हमारी यह वीडियो अपनी फेसबुक वॉल पर शेयर ज़रूर करिएगा और व्हाट्सएप के थ्रू इसे अपने फ्रेंड्स को और लव्ड वंस को सेंड ज़रूर करिएगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले नॉर्थ कैंपस लाइफ के बारे में। हम आपको सबसे पहले बताएंगे नॉर्थ कैंपस लाइफ कैसे है। देखिए, सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि सिंस नॉर्थ कैंपस में बहुत सारे कॉलेजेस एक साथ हैं तो यहाँ सबसे पहले सेफ्टी और सिक्योरिटी जो फैक्टर है, यहाँ बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है। सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, सेफ्टी सिक्योरिटी फॉर वुमेन, सेफ्टी सिक्योरिटी फॉर मेन। सेफ्टी सिक्योरिटी अच्छी है क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस एक साथ है, यहाँ पे पुलिस वगैरह बहुत तैनात होती है, आपको थोड़े थोड़े दूर पर आपको पुलिस वाले दिखेंगे। तो अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेते हैं, आप नॉर्थ कैंपस में आते हैं, तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आप निश्चिंत हो जाएं क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेफ्टी मिलती है क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस एक साथ हैं, स्टूडेंट्स भी एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं और पुलिस की भी बहुत निगरानी रहती है इस एरिया में। दूसरी चीज़, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस एक साथ हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, इसलिए कंपैरेटिवली नॉर्थ कैंपस इकोनॉमिकल है, पॉकेट फ्रेंडली है। अगर आपको शॉपिंग करनी है तो आप कमला नगर चले जाएं, अगर आपको बहुत अच्छा खाना पीना है तो कमला नगर में तो ऑप्शंस हैं। नॉर्थ कैंपस के अंदर भी बहुत सारे खाने पीने के ऑप्शंस हैं, बहुत सारे। इसके अलावा अगर आप दिल्ली से बाहर से आ रहे हैं, दिल्ली के बाहर से आप आए हैं और आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और आपको पीजी अकोमोडेशन ढूंढनी है, तो यहाँ पीजी अकोमोडेशन भी बहुत मिलेंगी, मुखर्जी नगर मिल जाएगा, बहुत सारे अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस के भी बहुत सारे हॉस्टल्स हैं, उनका भी एडमिशन लेने का प्रोसीजर है। उसके अलावा अगर आप पीजी में जाना चाहते हैं तो वह भी आपको बहुत सारे मिलेंगे, आप एक पीजी ढूंढने जाएंगे आपको 10 मिलेंगे। आपको चूज करना होगा कि आप किस में रहना चाहते हैं, आपको अच्छी फैसिलिटीज मिलेंगी, अफोर्डेबल प्राइस मिलेगा। और पीजी में बहुत बार ऐसा होता है, ऐसे दोस्त बनते हैं, ऐसे फ्रेंड्स बनते हैं जो लाइफ टाइम आपके अच्छे दोस्त बने रहते हैं क्योंकि आप उनके साथ मिलकर पढ़ते हैं, घूमते हैं, तो एक अच्छी स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप बन जाती है। उसके अलावा जो बहुत बढ़िया फैक्टर नॉर्थ कैंपस लाइफ का होता है वो होता है एनुअल फेस्ट, यानी एनुअल फेस्टिवल्स। हर कॉलेज अपना एक फेस्ट यानी फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करता है साल में एक बार, करीबन नवंबर, दिसंबर या जनवरी के या फरवरी के महीनों में होता है। और नॉर्थ कैंपस के फेस्टिवल्स बहुत फेमस है, मैंने खुद नॉर्थ कैंपस के बहुत सारे फेस्टिवल्स अटेंड करे हैं अपने कॉलेज डेज में, तो मैं आपको ये बात बता सकती हूँ अपने एक्सपीरियंस की बेस पे कि नॉर्थ कैंपस फेस्ट जब आप अटेंड करते हैं बहुत मजा आता है। पूरी दिल्ली का बेस्ट क्राउड पहुंचा होता है, नॉर्थ कैंपस का बेस्ट क्राउड पहुंचा होता है, बहुत सारे सेलिब्रिटीज आते हैं, बहुत सारे म्यूजिक बैंड आते हैं और बहुत मज़ा आता है। उसके अलावा जैसा कि हम सब जानते हैं, नॉर्थ कैंपस की रेपुटेशन ही बहुत हाई है, नॉर्थ कैंपस में एडमिशन लेना भी बहुत मुश्किल है, तो जो स्टूडेंट्स होते हैं वे सब अच्छे खासे इंटेलिजेंट होते हैं, क्वालिटी स्टूडेंट्स होते हैं, क्रीमी लेयर मिलेगी आपको नॉर्थ कैंपस में। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नॉर्थ कैंपस में अगर आपको एडमिशन लेता है मिलता है तो आप रियल में कैंपस लाइफ इंजॉय कर पाएंगे। बहुत सारे कॉलेजेस एक साथ, एक अलग सा एनवायरनमेंट, कम्प्लीटली कॉलेज, कम्प्लीटली यंग, कम्प्लीटली यूथ, एक अलग सी फीलिंग आएगी, यू विल एंजॉय द एनवायरनमेंट। अब हम बात करते हैं साउथ कैंपस लाइफ की। देखिए, साउथ कैंपस लाइफ का हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि साउथ कैंपस जो अलग अलग कॉलेजेस हैं वो बहुत ही अच्छी लोकेशंस पे हैं, बहुत बढ़िया लोकेशंस पे हैं। तो जब आप साउथ कैंपस के कॉलेजेस की बात करते हैं तो उनमें बहुत अच्छी लोकेशंस की वजह से घूमने फिरने की बहुत ज़्यादा जगहें होती हैं, आप एक पर्टिकुलर जगह पे लिमिटेड नहीं रहते, आप बहुत एक्सप्लोर करने की जगहें होती हैं, बहुत अच्छे अच्छे शॉपिंग मॉल्स, मूवी हॉल्स, बहुत सारी जगहें आपको घूमने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए होती हैं। जब बहुत ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर करने के लिए होता है तो आपका एक्सपोजर भी बहुत हाई होता है, इसीलिए साउथ कैंपस में लोकेशंस, घूमने फिरने की जगहें, एम्बियंस, आपको मॉल्स, शॉपिंग मॉल्स, मूवी हॉल, सब कुछ अवेलेबल होता है। बहुत ओवरक्राउडेड नहीं होता है, जिस मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा भीड़ भड़का है, इट्स पीसफुल, आपको कॉलेज लाइफ भी एंजॉय कर पा रहे हो, आसपास की जगहें भी घूम पा रहे हो, तो ओवरक्राउडेड नहीं है ये कैंपस। इट्स लाइक दूर 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 स्कैटर्ड है कॉलेजेस, लेकिन ओवरक्राउडेड नहीं है। और अगर बात करें तो
साउथ कैंपस के कुछ कॉलेजेस बहुत ही फेमस हैं अपने स्टाइलिश क्राउड के लिए. अगर चाहे हम बात करें कुछ ऑल गर्ल्स कॉलेज की, हम LSR की बात करें, लेडी श्रीराम कॉलेज, हम जीसस एंड मेरी की बात करें, हम गार्गी कॉलेज की बात करें, हम कमला नेहरू कॉलेज की बात करें, दे आर वेरी फेमस फॉर देयर स्टाइलिश क्राउड. तो जहाँ बात करते हैं स्टाइल की बहुत ज़्यादा, बहुत फैशन की, तो आपको साउथ कैंपस में स्टाइल भी दिखेगा, आपको फैशन भी दिखेगा, उसके साथ एक्सपोजर भी है आपका, स्टाइल भी है, खाने पीने की बहुत ज़्यादा आप घूमेंगे, मॉल्स वगैरह मिलेंगे. तो ओवरऑल साउथ कैंपस लाइफ में भी बहुत फन है, बहुत मज़ा है, और एक्सपीरियंस इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द लाइफ, फ्रॉम द कॉलेज डेज वी इन्जॉय इन नॉर्थ कैंपस. तो उम्मीद करते हैं आपको नॉर्थ कैंपस लाइफ और साउथ कैंपस लाइफ में फ़र्क पता चल गया होगा. दोनों बहुत अच्छे हैं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, येट बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. अगली बार फिर मिलते हैं और बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड किसी अन्य टॉपिक पर. अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए. नमस्कार.